हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का दोबारा से हमारी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आप लोगों को, जैसे कि लास्ट टाइम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या होता है उनके बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उसके बेसिस पे कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। टॉपिक वही है हमारा आज भी, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन अब कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हैं उनके बारे में जानने की, जैसे कि कुछ उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उनकी यूनिट्स एंड ऑल। ओके, सो हियर हमारा सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि उसका एक फॉर्मूला, हम पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल V से डिनोट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है W अपॉन क्यू, यहाँ पे W होता है वर्क, क्यू होता है चार्ज, राइट। इतना मैंने आप लोगों को बताया था। और इन केस इफ Q is equals to 1 coulomb, then V equals to W। यानी कि अगर सिंगल यानी कि यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन, यानी कि जो भी कार्य है या फिर जो भी हमने ऊर्जा खर्च करी है वो क्या कहलाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। मेरी बात आप लोगों को लास्ट टाइम में उम्मीद करता हूँ समझ में नहीं आ गई होगी, जो बात समझ में नहीं आया आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा होगा, मैं उसको पढ़ूंगा और आप लोगों को रिप्लाई दूंगा। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बात करना चाहता है इसकी यूनिट की, कि आगे इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे हर कोई क्वांटिटी हो उसकी कितने कुछ यूनिट होती है, लेंथ की सेंटीमीटर, वेट की किलोग्राम और ग्राम, इन द सेम वे वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की भी एक यूनिट होती है जो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, राइट। हम उसे जूल कहते हैं एंड या फिर कैलोरी भी कहते हैं, अलग अलग सिस्टम है। और उसी तरह से चार्ज की यूनिट मैंने आपको बताई थी कूलम, राइट। चार्ज की यूनिट मैंने आपको बताई थी कूलम, तो वर्क की बताई थी जूल। और इस तरह से अगर मैं वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट कहना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। बट हम इसे अलग अदर स्पेसिफिक नेम से भी जानते हैं, जिस नियम को कहा जाता है वोल्ट। ओके, हमारे एक फिजिसिस्ट यानी कि साइंटिस्ट हुआ करते थे पुराने टाइम में, अलेक्जेंड्रो वोल्टा, उन्हीं के नेम पर हमने इनकी यूनिट को रखा है। और अगर हम कहीं भी बात करते हैं, आपने सुना होगा कई बार 5 वोल्ट या 15 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो वोल्ट है ना बैटरीज में, जो हम बोलते हैं 5 वोल्ट बैटरी, 15 वोल्ट बैटरी, 1000 वोल्ट बैटरी, So, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस ही है और ये यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट। ओके, और इसे अलेक्जेंड्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया है। और इसको अगर जूल पर कूलाम लिखा जाए तो भी गलत नहीं होगा, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये दोनों एक ही यूनिट है इसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, सो नाउ अब आप लोगों ने इसकी यूनिट के बारे में समझ लिया। इसी तरह से मैंने आपको करंट की यूनिट क्या बताई थी, एम्पेयर, राइट। करंट किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से, और उसकी जो यूनिट बताई थी वो क्या बताई थी, एम्पेयर। और अगर उसकी यूनिट एम्पेयर नहीं है तो क्या होगी, मैंने आपको बताया था आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, और क्यू की यूनिट कूलम, टाइम की यूनिट सेकेंड, सो The unit will become coulomb per second। ओके, करंट की यूनिट या तो coulomb per second होगी या फिर एम्पियर, दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी की यूनिट्स हैं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, जिस तरह से हमने वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट बताई उसी तरह से ये करंट की यूनिट। अब हम इसके जो फॉर्मूला मैंने आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको इस तरह से छोड़ देता हूँ। और क्यों, क्योंकि अगर ये फॉर्मूलाज है तो इनके बेसिस पे कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे, और अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो उन न्यूमेरिकल्स को हमें अटेम्प्ट करके जरूर देखना चाहिए कि ये किस किस तरह से आप लोगों के सामने आते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं खास तौर पर जो आपको लास्ट टाइम बताना भूल गया था वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स पर आएंगे। एक नया फॉर्मूला आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को उसमें बताया था चार्ज क्या होता है, राइट।
चार्ज डिस्क्राइब किया था और चार्ज के बारे में इसकी प्रॉपर्टीज बताई थी, ये पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव होता है। चार्ज केवल दो ही होते हैं, या तो प्रोटॉन होगा या फिर इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, राइट। इसके अलावा थर्ड पार्टी का न्यूट्रॉन, इसमें कौन सा चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग नहीं भूले होंगे। अब आप लोग एक बात समझिएगा, ये जो चार्ज है यानी कि क्यू है, करंट में भी है, वोल्टेज में भी है, और इसके लिए आप लोगों को सिंपली अगर आपको पूछा जाए कि चार्ज निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उसके लिए भी हम लोगों को एक फॉर्मूला छोटा सा दिया जाता है जो कि है क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई। ओके, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी, और नहीं आ रही है तो मेरी बात गौर से सुनिएगा। Q is equal to N multiply E, ये जो है फॉर्मूला है चार्ज निकालने के लिए। अगर आपको पूछा जाए कि कोई भी क्वांटिटी गिवन हो और कहा जाए क्वांटिटीज की हेल्प से बताइए कि इसमें चार्ज कितना क्या है इस वायर में या फिर इस सर्किट में, तो आप Q is equal to N into E निकाल कर लगाकर वो चार्ज का अमाउंट निकालेंगे, और इसकी यूनिट में आपको बताई दूंगा कूलम। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एन क्या है, एन जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको काउंटिंग करनी पड़ेगी। आपको काउंट नहीं करना है, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने इलेक्ट्रॉन पहले से एग्जिस्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो वो कितना चार्ज दे रहे हो। और रही बात ई की, तो आप सभी जानते हैं ई क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज। ओके, यानी कि अच्छा, आप लोगों ने एक बहुत सिंपल सी सवाल अपने बहुत छोटी छोटी क्लास में करे होंगे कि अगर आपके पास 1 किलो चीनी है तो आप एक लड्डू बना सकते, 5 किलो चीनी होगी तो कितने लड्डू बनाओगे, तो आप सिंपली बोलेंगे 5 × 1 दैट मींस 5 लड्डू बनाए। इन द सेम मैनर अगर आपके पास, मैं कहूं 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, माफ करिएगा थोड़ा सा मजबूत लिखूंगा, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है और 10 इलेक्ट्रॉन में पूछ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, 10 × 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज करोगे, नहीं करोगे, बस वही है। क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ई का मतलब यही है, ई जो है रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज हुआ वो है ई की वैल्यू, और एन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर एक खास बात जो आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी, थोड़ी सी रिवाइज करने की जरूरत है, वो ये कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज बताया गया था आपको उस क्लास में, 1.6 × 10⁻¹⁹, पूरा, राइट। ये 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये फिक्स होता है, चाहे कोई सा भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सब्सटेंस हो, उसके हर इलेक्ट्रॉन पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की अमाउंट 1.6 × 10⁻¹⁹ ही रहेगी हमेशा। That means इसकी वैल्यू हो गई फिक्स, अब वैल्यू किसकी बची, n, यानी कि n वैरी करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन, और आपको हर बार उस n की वैल्यू से इस वैल्यू की मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास चार्ज आ जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल करके बताऊंगा और आप आराम से समझ जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे आपको 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता लग गया, ठीक है, e की जगह यही रखना, हर बार यही रखना है आपको e की वैल्यू। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास एक रिमोट है, सपोज करिए आपके पास रिमोट है, आप टीवी देख रहे हैं और आपने रिमोट से बटन दबाया, अब रिमोट से अगर बटन दबाया टीवी पर कुछ सिग्नल्स गए हों, और अगर कुछ सिग्नल्स गए तो मैं कह रहा हूँ मान लो आपके रिमोट के जो उन सिग्नल्स ने ट्रेवल करते हुए 50 इलेक्ट्रॉन चले गए टीवी की तरफ, अब वो 50 इलेक्ट्रॉन अगर टीवी की तरफ चले गए, आप मुझे बताइए कितना चार्ज गया होगा, यानी कितना चार्ज आपने ट्रांसफर किया होगा, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको चार्ज निकालना है, तो Q is equal to, मैंने आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बताए 50, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना बताया 1.6 × 10⁻¹⁹,
बस इसे सॉल्व कर लीजिए और आपने रिमोट में टीवी की तरफ कितना चार्ज छोड़ दिया आपके पास आ जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप सिंपली जीरो से डेसिमल कैंसिल 65 80 multiply 10 to power minus 9 इस तरह से ठीक है आप लोगों का ये सिंपल सॉल्व होता है। आई होप ये आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। और इस तरह से आप इस तरह ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं या फिर इनको अप्लाई करके एक एक करके मैं दिखाऊंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैंने अभी क्यू इक्वल टू एन टू ई का करा था, उस तरह से हम लोग बाकी के भी करेंगे ठीक है जरूर। और आप देखिएगा मैं उम्मीद करता हूँ इस समझ में आ गया होगा। अभी थोड़े और एग्जाम्पल्स लेंगे हम नए नए। हाँ तो बच्चों इस तरह से आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ नए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं जो बेस्ड होंगे i = q / t पर या फिर b = w / q पर या फिर कॉम्बिनेशन पर। बहुत खूबसूरत सवाल बनते हैं हालांकि बहुत सारा आते भी नहीं है, बट पॉइंट टू पॉइंट आपको पता होने चाहिए एज अ नॉलेज। मैं आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कराऊंगा बट फिर भी हम कुछ अटेम्प्ट करते हैं ओके। सो जस्ट फोकस ऑन हियर नाउ बल्ब और थोड़ा सा रेजिस्टेंस एक एग्जांपल के लिए बेकार समय सर्किट बना दिया है। बहुत रहेंगे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें जो ये बैटरी है ये मैंने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ऑन करी है। स्विच बना देते हैं यहां पर एक छोटा सा ठीक है। इसमें मैं करंट फ्लो कराना चाहता हूं और मैंने 25 सेकंड के लिए एक करंट फ्लो कराया, 25 सेकंड के लिए करंट फ्लो कराया। ये केवल स्विच जो था ना मैंने 25 सेकंड के लिए ऑन करा, उसके बाद तुरंत ऑफ कर दिया। दैट मींस केवल 25 सेकंड ही करंट बहा होगा। सो टीवी वैल्यू दी हुई है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हम इससे कह रहे हैं कि ये 25 सेकंड्स में इसमें क्या हुआ कि ये करंट फ्लो हुआ जिसकी अमाउंट थी 50 एम्पीयर ठीक है। करंट फ्लो हुआ 50 एम्पीयर तो अगर इसमें करंट फ्लो हुआ 50 एम्पीयर टाइम था 25 सेकेंड और आपसे पूछ रहा है कि चार्ज बताइए साहब कि कितना चार्ज पास हुआ होगा। मैं ऑफिशियली एक लैंग्वेज आपको प्रिंट करके दे देता हूं। इफ सी इफ आ सर्किट गेट्स 50 एम्पियर करंट इन 25 सेकेंड्स देन कैलकुलेट द चार्ज। If a circuit gets 50 ampere current in 25 seconds, then calculate the charge flow through it. 50 ampere current, time 25 seconds, amount of charge unknown, then as you know, I is equal to U upon D. You can simply write I is 50. Time is
25 and Q is Anu. And that is why they will get Q is equal to 25 multiplied 50, which means 25 times the 125 and 0. This will be the charge. 1250 coulomb charge will be passed through the excess. Okay, अब अगर मेरी बात मन में आ रही हो, देखिए बहुत सिंपल सा है। एक सर्किट है जिसमें 50 से 50 एम्पीयर है, 50 एम्पीयर करंट हमने फ्लो करा, लेकिन उसकी ड्यूरेशन तो हमारे हाथ में है, तो इसमें हम कहीं बंद कर सकते हैं। केवल 25 सेकंड घड़ी में देखकर हमने बंद कर दिया और हम निकालना चाह रहे हैं कितना चार्ज में फ्लो हुआ होगा। बस सिंपल ये फॉर्मूला है, आई इक्वल टू यू अपॉन टी, टी की जगह 25, आई की जगह 50, वैल्यू कुछ और होती तो वो रख देते, टू की वैल्यू निकाल देते। या फिर अगर मैंने आपसे कहा होता 25 की जगह, ठीक है, यही क्वेश्चन ऐसा होता अगर ए 12,500 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट फॉर 25 सेकेंड then find the current। अगर इतना अमाउंट का जो चार्ज है ये फ्लो कर रहा है सर्किट में इतने टाइम के लिए, तो करंट कितना होगा? अगेन फॉर क्वानिटी, क्योंकि वैल्यू फुल था 500 550 एंड टाइम 25 यू आर सिंपली डिवाइडेड और कितना वैल्यू आए 50, राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात अच्छे समझ में आ रही होगी, मैं इसे रफ करने जा रहा हूँ और अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं रिप्ले करके वीडियो को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको Q और I इन दोनों फॉर्मूलों को एक ही क्वेश्चन में यूटिलाइज करना सिखाएगा। इसका आपने एग्जाम्पल पढ़ा, इसका एक एग्जाम्पल पढ़ा, अब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों का यूटिलाइजेशन सेम टाइम पे हो और इसका एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया भी हुआ और इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं सबसे पहले सिंपली ये क्वेश्चन ही लिखूंगा बोर्ड। डोंट वरी, लेट्स वेट एंड वॉच। Here is the question. क्या क्या गिवन है आप सबसे पहले वो लिखेंगे, ओके
एन इक्वल्स टू कितना लिखे हैं 1000 राइट। आप पहले से जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना बताया था मैंने आपको 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, उसको याद कर लेंगे आगे तक काम आएगा आप लोगों के 12th तक काम आएगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नाउ एन की वैल्यू 1000, अगर एन की वैल्यू 1000 है एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है और आपके पास अगली चीज क्या दी है फ्लोइंग इन इटसेल्फ फॉर 50 सेकंड्स, सेकंड लिखा हुआ है दैट मींस ये क्या गिवन है टाइम। नेक्स्ट वन कैलकुलेट द फ्लोइंग करंट थ्रू द सर्किट, निकालना क्या है आई राइट, आई की वैल्यू कितनी, आई का फॉर्मूला क्या होता है क्यू अपॉन टी, टी पता है रीजन क्या है क्यू, दैट मींस सबसे पहले क्या निकालेंगे हम क्यू, क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे क्यू इज इक्वल टू क्या होता है एन मल्टीप्लाई टी, एन की वैल्यू कितनी है 1000, टी की वैल्यू कितनी है फिक्स, और अब इस तरह से आप सिंपली 0 0 1 1 0 से डेसिमल जाएगा 16 मल्टीप्लाई 100 कितना होता है 1600 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁹। अदरवाइज इसको और हम सिंपल कर सकते हैं बट फिलहाल आप लोगों की सुविधा के लिए मैं सिंपल नहीं कर रहा हूँ, इसे इतना ही छोड़ने के रहा हूँ। ये आपका चार्ज निकल के आ गया, दैट मींस कितने कूलम चार्ज फ्लो हो रहा होगा कितने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, अब इस चार्ज की वैल्यू को उठाकर हम यहाँ रख देंगे, क्यू की वैल्यू कितनी है 1600 10⁻¹⁹, टाइम कितना है 50 सेकंड, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 15 कैरी 1 5 2 जा 20 सॉरी 32 मल्टीप्लाई 10⁻¹⁹ क्या आएगा एम्पीयर। तो ये हमारे करंट की वैल्यू आ गई, यानी कि कितना करंट उस सर्किट में फ्लो हो रहा होगा 1000 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्योंकि वो 50 सेकंड फ्लो हुई, और इस तरह से इनकी वैल्यूज अगर आगे पीछे जो भी चेंज होगी वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल, अगर किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे मैं इसको दोबारा समझा सकता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, अगर दिक्कत हो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें। थैंक यू वेरी मच।